सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि आपको 13 से लेकर 15,000 के प्राइजिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि दोस्तों आजकल आपको 15,000 के प्राइजिंग के अंदर ढेर हुए स्मार्टफोन देखने को मिलता है, जिसके कारण कन्फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है कि आखिर किस डिवाइस को बाय किया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम टोटल 5 स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर आपको प्राइजिंग के हिसाब से सभी डिवाइस के अंदर दमदार एस्पेक्ट्स देखने को मिलता है। जैसे कि आपको पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जो है स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट मिलेगा, और वहीं आपको 6000mAh का लंबी बैटरी का सपोर्ट, साथ ही आपको 65W का सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस भी डिवाइस के अंदर बात करेंगे, उन सभी के अंदर आपको काफ़ी दमदार फीचर देखने को मिल जाता है। तो आपका बजट अगर 15,000 है, जहाँ पर अगर आप बेस्ट स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और साथ ही दोस्तों हम वीडियो के लास्ट में एक बोनस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर आपको काफ़ी कमाल का फीचर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले डिवाइस के बारे में। तो ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगा गैलेक्सी M21। यहाँ पे आपको मिलता है 6.4 इंच का एक फुल एच डी प्लस का डिस्प्ले, जो कि एक सुपर एमोलेड पैनल के साथ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी यू नॉच देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको प्राइजिंग के हिसाब से डिस्प्ले काफ़ी टॉप नॉच का मिलेगा। इसके साथ ही आपको बिल्ड क्वालिटी के लिए जो है पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल का यूज़ किया गया है, और वहीं आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पे मिलता है 48MP का ट्रिपल ईयर कैमरा, और वहीं आपको मिलेगा 8MP का वाइड एंगल लेंस, और आपको 5MP का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको फ्रंट में 20MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, तो यहाँ पे आपको कैमरा भी काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, तो आपको 6000mAh का लंबी बैटरी का सपोर्ट मिलता है, साथ ही आपको 15W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इन द बॉक्स देखने को मिलेगा। तो चार्जिंग में आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है। इसके साथ ही बात कर दिया इसके प्रोसेसर के बारे में, तो आपको मिलता है एक्जिनोस 9611 का चिपसेट, जो कि आपको परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप मीडियम गेमिंग काफ़ी स्मूथली कर पाएंगे, आपको हैवी गेमिंग में थोड़ा बहुत इशू देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो ये डिवाइस आपको बेस ब्रांड 4G+64GB के स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइस आपको करंट टाइम में देखने को मिलेगा 14,000। तो दोस्तों अगर आपको बिग बैटरी चाहिए, और वहीं आपको बेटर डिस्प्ले और बेटर कैमरा चाहिए, तो सैमसंग का ये स्मार्टफोन चाहिए, तो जरूर से आप इस डिवाइस को देख सकते हैं। तो अब बात कर दिया नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, तो ये भी डिवाइस आपको देखने को मिलेगा सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A50s। यहाँ पे आपको मिलता है 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि फुल HD+ के रेजोल्यूशन के साथ में आता है, और यहाँ पे भी आपको यू नॉच का स्टाइल देखने को मिलेगा। साथ ही आपको सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाता है, बट आपको थोड़ा सा स्लो देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही आपको बिल्ड क्वालिटी के लिए जो है पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल यूज़ किया गया है, जो कि ग्रेडिएंट लुक के साथ में आता है। तो अब बात कर दिया इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप दिया गया है, जहाँ पे मेन सेंसर 48MP का मिलता है। इसके साथ ही आपको 8MP का वाइड एंगल लेंस, और आपको 5MP का एक पोर्ट लेंस देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही आपको फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया गया है, और इस डिवाइस के अंदर आपको 4000mAh का बैटरी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको बैटरी थोड़ा सा नॉर्मल देखने को मिलेगा, क्योंकि सैमसंग का जो ए सीरीज होता है वो थोड़ा स्लिम बॉडी के साथ देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे आपको बैटरी थोड़ा कम दिया जाता है। इसके साथ ही आपको 15W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट बात कर दीजिए इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको 9611 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर आपको सैमसंग का नॉक सिक्योरिटी का भी फीचर देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो ये डिवाइस आपको बेस मॉडल 4G+128GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिलेगा, जिसका प्राइस आपको करंट टाइम में जो 15,000 देखने को मिलता है। सो दोस्तों अगर आपका बजट 15,000 है, जहाँ पर अगर आपको बेटर डिस्प्ले चाहिए, साथ ही आपको एक लाइट वेट स्मार्टफोन चाहिए, और सैमसंग का नॉक सिक्योरिटी चाहिए, तो ज़रूर से आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ, तो ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगा पोको की तरफ से, पोको M2 Pro। यहाँ पे आपको बिल और डिजाइन के लिए जो है ग्लास बिल का पैनल यूज़ किया गया है, जो कि प्रीमियम लुक के साथ में आता है। इसके साथ ही आपको ट्रिपल गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और वहीं आपको साइड मॉडल फिंगरप्रिंट का सेंसर भी देखने को मिलता है। तो इसका बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी प्रीमियम किस्म का देखने को मिलता है। इसके साथ ही बात कर जाए इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.67 इंच का एक फुल HD+ का IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा, जो कि सेंटर पंच होल कटआउट के साथ में आता है। और यहाँ पे आपको क्वाड ईयर कैमरा सेटअप मिलता है, जहाँ पे प्राइमरी लेंस आपको 48MP का दिया गया है। इसके साथ ही आपको 8MP का वाइड एंगल लेंस, 5MP का मैक्रो एंड 2MP का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा, और वहीं आपको फ्रंट में 16MP का पंच होल कैमरा दिया गया है। यहाँ पे भी आपको प्राइजिंग के हिसाब से कैमरा काफ़ी दमदार देखने को मिलता है। इसके साथ ही बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट, जो कि प्राइजिंग के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस देगा, यानी कि आप काफ़ी कमाल का गेमिंग कर पाएंगे। और इस डिवाइस के अंदर आपको 5000mAh का पावरफुल बैटरी मिलता है, और अच्छी बात यह है कि आपको 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इन द बॉक्स मिल जाएगा।
तो अब बात कर जाए इसके प्राइसिंग के बारे में, तो ये भी डिवाइस आपको 4G प्लस 64GB बेस वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा, जिसका प्राइसिंग आपको 13,000 देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपका बजट 13,000 है, जहाँ पर अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, साथ ही एक प्रीमियम स्मार्टफोन चाहिए, और वहीं आपको बेटर कैमरा और इसके साथ ही यहाँ पर बैटरी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलता ही है, तो ज़रूर से आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। तो अब बात कर जाए नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, तो ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगा रियलमी की तरफ से, रियलमी नार्जो 20 प्रो, जहाँ पर आपको मिलेगा 6.5 इंच का एक फुल एच डी प्लस का डिस्प्ले, जो कि पंच होल कटआउट के साथ में आता है, और यहाँ पर आपको 90Hz का स्मूथ रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पर डिस्प्ले आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है, इसके साथ ही आपको साइड मॉनिटर फिंगरप्रिंट का सेंसर भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको बिल्ड क्वालिटी के लिए जो है पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल देखने को मिलेगा, जो कि वी शेप के डिज़ाइन के साथ में आता है। इसके साथ ही बात कर जाए इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको 48MP का क्वाड ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और इसके साथ ही आपको 8MP का वाइड एंगल लेंस और आपको बाकी का 2MP का डेप्थ एंड मैक्रो लेंस मिल जाएगा, और वहीं आपको फ्रंट में 16MP का कैमरा देखने को मिलता है। और इस डिवाइस के अंदर जो है पावर देने के लिए 4500mAh का पावरफुल बैटरी दिया गया है, साथ ही आपको 65W का सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इन द बॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि इस डिवाइस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के लिए जो है मेराटेक हीलियो G95 का एक गेमिंग चिपसेट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे। और वहीं इस डिवाइस के अंदर आपको कार्बन फाइबर कूलिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है, जिससे अगर आप लॉन्ग टर्म तक गेमिंग करेंगे तो भी आपका डिवाइस हीट नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो ये डिवाइस आपको जो है 14,000 के प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा, जो कि 6GB प्लस 64GB स्टोरेज के साथ में आता है। सो दोस्तों अगर आपका बजट 14,000 है, जहाँ पर अगर आपको बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, तो इस डिवाइस को आपको जरूर से बाय करना चाहिए। तो अगर जब बात करते हैं फिफ्थ नंबर स्मार्टफोन के बारे में, तो ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगा रियलमी की तरफ से, रियलमी 7। इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट जो है रियलमी नार्जो 20 प्रो जैसा ही फीचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मोस्टली दो ही डिफरेंट देखने को मिलता है, जैसे कि आपको रियलमी नार्जो 20 प्रो के अंदर जो है 48MP का क्वाड ईयर कैमरा दिया गया है, वहीं आपको रियलमी 7 के अंदर जो है 64MP का क्वाड ईयर कैमरा देखने को मिलता है। साथ ही आपको नार्जो 20 प्रो के अंदर जो है 4500mAh का बैटरी मिलेगा, और आपको 65W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, बट आपको रियलमी 7 के अंदर जो है 5000mAh का बैटरी मिलता है, तो यहाँ पर आपको बैटरी थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, बट आपको फास्ट चार्जिंग जो है 30W का ही देखने को मिलता है। तो मेनली इस डिवाइस के अंदर जो दो ही डिफरेंट देखने को मिलेगा, तो आप दोनों में से किसी भी डिवाइस को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैमरा परफॉर्मेंस जो है दोनों ही डिवाइस के अंदर सेम ही देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अब बात करते हैं एक बोनस स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया है। तो ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगा पोको की तरफ से, पोको X3, जहाँ पे आपको प्राइसिंग के हिसाब से रियली काफ़ी दमदार एस्पेक्ट्स देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलता है 6.67 इंच का एक बिग डिस्प्ले, जो कि फुल एच डी प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में आता है, और आपको सिंगल पंच होल का कटआउट भी देखने को मिलेगा, और अच्छी बात यह है कि आपको 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो डिस्प्ले आपको प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बात कर जाए इसके बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में, तो ये डिवाइस आपको पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल के साथ में ही आता है, और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के लिए जो है साइड मॉनिटर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा, और इसके साथ ही आपको यहाँ पर मिलता है 64MP का क्वाड ईयर कैमरा, और वहीं आपको मिलेगा 13MP का वाइड एंगल लेंस, 2MP का डेप्थ एंड 2MP का एक मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा, और इसके साथ ही आपको फ्रंट में 20MP का सेल्फी शूटर मिल जाता है। तो कैमरा इस डिवाइस का आपको फ्रंट और बैक दोनों तरफ काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करी जाए, तो यहाँ पे आपको 6000mAh का एक मैसिव बैटरी देखने को मिलता है, और अच्छी बात यह है कि आपको 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। तो अब बात कर जाए इस डिवाइस के हाईलाइट फीचर के बारे में, तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के लिए जो है स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट यूज़ किया गया, जो कि गेमिंग बेस्ड चिपसेट है, और ये प्रोसेसर आपको 8nm के टेक्नोलॉजी में बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा, साथ ही आपका डिवाइस जो है ओवरहीट ना हो, इसके लिए यहाँ पे लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसके साथ ही इस डिवाइस के अंदर आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर का भी यूज़ किया गया है, यानी कि आपको गेमिंग करने टाइम ऑडियो एक्सपीरियंस आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। तो अब बात कर जाए इसके प्राइसिंग के बारे में, तो ये डिवाइस आपको बेस ब्रांड जो है 6GB प्लस 64GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा, जिसका प्राइस आपको करंट टाइम जो है 16,000 देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अगर आपका बजट 16,000 है, जहाँ पर अगर आप बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहते हैं, तो इस डिवाइस को आपको जरूर से कंसिडर करना ही चाहिए, और वहीं आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बैटरी भी देखने को मिलता है, जिसके कारण इसका वेट भी आपको थोड़ा सा ओवर देखने को मिलेगा। अगर आप इसे मैनेज कर सकते हैं, तो ये डिवाइस आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। सो दोस्तों यही था मेरे तरफ से टॉप 5 स्मार्टफोन, और वहीं हमने एक बोनस स्मार्टफोन के बारे में बात की है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।